देश की आंखों का तारा, कुरुक्षेत्र का दुलारा, नवीन जिंदल हमारा। नवीन जिंदल जी, बच्चा है हमारा बेचारा, हम तो उसके बाप के ही आ रहा हूँ। बच्चा है हमारा, अब परमात्मा लमिया हम तो यूं कहा इसकी 100 साल की उम्र थी, और जितना इसने इस हल्के में काम करया वो हम जानते हैं, हमारा परमात्मा जाना है, जनता जाना। इंजीनियरिंग कर रही है मेरी लड़की, मेरी इतनी वो नहीं थी गुंजाइश कि मैं पढ़ा सकूं, नवीन भाई साहब की वजह से मैं आज अपनी लड़की को पढ़ा रही हूँ। भाई साहब बहुत सहयोग करते हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ, और मैं उनके मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहती हूँ। देश और दुनिया के नजरों में कुरुक्षेत्र का ये बेशकीमती नगीना, एक जुझारू युवा सांसद, जबरदस्त देशभक्त, जोशीला खिलाड़ी और सफल उद्योगपति है, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान कुरुक्षेत्र की जनता इन्हें मान चुकी है अपना सबसे बड़ा सेवक, सबसे बड़ी उम्मीद। मैं अपने आप को इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मैं अर्जुन मानता हूँ, और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता को मैं अपना कृष्ण मानता हूँ, अपना भगवान मानता हूँ। अर्जुन रूपी नवीन जिंदल को कृष्ण रूपी कुरुक्षेत्र की जनता को सौंपा था उनके पिता और महान समाज सेवी स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल ने। श्री ओम प्रकाश जी जिंदल विकास की एक जिंदा जीती जागती मिसाल है, उनका जीवन विकास के कामों में ही लग गया। साल 2005 में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूजनीय बाबूजी को हमसे छीन लिया, लेकिन नवीन जिंदल ने अपने पिता की समाज सेवा की ऐतिहासिक विरासत को बखूबी संभाला और सहेजा है। ओपी जिंदल जी के जिनके हमारे बहुत निकट संबंध थे, और उनका एक लक्ष्य जीवन का उन्होंने रखा था, खास तौर पे गरीब आदमी की सेवा करना, दलित की सेवा करना, बैकवर्ड क्लासेस की करना, व्यापारियों की। तो नवीन जिंदल जी, उन्होंने का जो रास्ता दिखाया हुआ है उस पर बहुत अच्छे तरीके से और मजबूती से चल रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर मैंने कोशिश की है कि मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मैं सेवा कर सकूँ। देखा जिंदल तेरा काम, तूने चमका दिया ओपी जिंदल का नाम। नवीन जिंदल के भीतर जनता की सेवा करने की ललक और गजब की देशभक्ति के मद्देनजर ही साल 2004 से कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने कुरुक्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंप रखी है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, और इसकी हमारे परिवार की जो मुखिया हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, और उनके ही मार्गदर्शन में पूरी पार्टी चल रही है। जैसे जैसे उनके दिशा निर्देश होते हैं उसके हिसाब से हम सब काम करते हैं। कुरुक्षेत्र की जनता की सेवा में जी जान से जुटे इस युवा सांसद को सोनिया जी के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री शेरे हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद और सहयोग लगातार मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का और सोनिया गांधी जी का, प्रधानमंत्री जी का, और मेरे तो अजीज हैं, पूरा आशीर्वाद भी और पूरा सहयोग। आमतौर पर राजनीति भले ही दागदार हो रही हो, लेकिन कुरुक्षेत्र का ये कर्मठ युवा सांसद आज भी त्याग और ईमानदारी की जबरदस्त मिसाल है। राजनीति एक सेवा का माध्यम है, ना कि पैसा बनाने का। तो जिस तरह के जो इस तरह के लोग हैं जो राजनीति का जो अपराधीकरण करते हैं, व्यापारीकरण करते हैं, लोगों को, जनता को इनसे सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आंकड़े खुद उनके त्याग और ईमानदारी की गवाही देते हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान नवीन जिंदल